हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पलायो साइंसेज की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है BSIP रिक्रूटमेंट 2023, जिसे की 35 MTS और बीरबल साहनी रिसर्च एसोसिएट पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात की जाए तो ये आपको 28,000 रुपए से लेकर 54,000 रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी, जबकि जॉब लोकेशन आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश होगा। वही अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर के इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो साइंटिस्ट एफ के लिए 1 वैकेंसी है, साइंटिस्ट बी के लिए 14 वैकेंसी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के लिए 4 वैकेंसी है, बीरबल साहनी रिसर्च स्कॉलर के लिए 11 वैकेंसी है, जबकि बीरबल साहनी रिसर्च एसोसिएट के लिए 5 वैकेंसी है। अगर एडुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th यानी कि 10वीं से पास कर रखा है, ITI कर रखा है या मास्टर्स डिग्री, MSc या फिर PhD कर रखा है किसी भी ऑर्गेनाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज एडुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो साइंटिस्ट एफ और बी पोस्ट के लिए आपका MSc साथ ही PhD क्या होना जरूरी है, वही मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के लिए आपका क्लास 10th क्या होना जरूरी है या फिर ITI क्या होना जरूरी है, वही बीरबल साहनी रिसर्च स्कॉलर के लिए आपका MSc क्या होना जरूरी है, जबकि बीरबल साहनी रिसर्च एसोसिएट पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने मास्टर्स डिग्री, MSc या PhD कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें तो साइंटिस्ट साइंटिस्ट बी और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एज पर नॉर्म्स रखी गई है। वहीं बीरबल साहनी रिसर्च स्कॉलर के लिए आपको मिल जाएगी 28,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए पर मंथ तक की सैलरी, जबकि बीरबल साहनी रिसर्च एसोसिएट पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 47,000 रुपए से लेकर 54,000 रुपए पर मंथ तक की सैलरी। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो कैंडिडेट्स की आयु 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 से पहले तक। अगर पोस्ट वाइज आयु सीमा की बात की जाए तो आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर देख सकते हो। एप्लीकेशन फी की बात करें तो साइंटिस्ट पोस्ट के लिए जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स को देने होंगे 1,000 रुपए, वहीं SC ST PH और वुमन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही होगा दोस्तों। वहीं मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट के लिए जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स को देने होंगे 250 रुपए, जबकि SC ST PH और वुमन कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, उनके लिए फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, मोड ऑफ पेमेंट यहाँ भी ऑनलाइन होगा दोस्तों। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस केवल रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पर ही बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 8 फरवरी 2023 से स्टार्ट होगी, जो कि 15 मार्च 2023 तक चलेगी। वहीं अगर लास्ट डेट डिटेल्स की बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज, तो साइंटिस्ट और मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट के लिए आप 15 मार्च 2023 तक आवेदन कर पाओगे, वहीं बीरबल साहनी रिसर्च एसोसिएट और स्कॉलर पोस्ट के लिए आप 28 फरवरी 2023 तक आवेदन कर सकोगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बता दो दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।